केमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IITJEE। आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज पीरियोडिक टेबल, उससे अपन स्टार्ट करेंगे। देन केमिकल बॉन्डिंग पर मूव करेंगे, देन पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, इस तरह से अपन आगे मूव करते जाएंगे। आप एक बात नोटिस करना कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार, वो सीक्वेंस में चलता है। आपको अगर पीरियोडिक टेबल के बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, उसके बाद अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस है एक, ठीक है, तो सीक्वेंस में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले अपन डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से डेवलप हुआ। डेवलपमेंट की बात करने वाले अपन कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर अपन किस तरह से पहुंचे, ठीक है। तो डेवलपमेंट में अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे, ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करा, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को अपन पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट में सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोस्ट हाइपोथेसिस। क्या आता है भाई? प्रोस्ट हाइपोथेसिस। प्रोस्ट हाइपोथेसिस, एक साइंटिस्ट थे प्रोस्ट, ठीक है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी भाई अपना, ठीक है। उस हाइपोथेसिस क्या थी, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो हर एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो प्रोस्ट हाइपोथेसिस ये है कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से मिलके बना है। एक बात ध्यान रखना है यार कि जैसे अपन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसके नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलो यार, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपके नोट्स बहुत कारगर होंगे आपके लिए, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी होते हैं यार। जब आप चीजों को अपने हाथ से लिखते हो तो उनका जो रोल है, उनका जो इफेक्टिवनेस है, वो 100 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब तक आप अपने हाथों से चीजों को नहीं लिखोगे, उसका कुछ इफेक्टिव आपको दिखेगा नहीं रिजल्ट, ठीक है। तो अपने हाथों से जरूर लिखें उस चीज को। तो प्रोस्ट हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले बहुत पुरानी बात है भाई, ठीक है। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे प्रोस्ट, उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी कि हर एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए, टाइम बढ़ता गया, दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने ट्राइड रूल दिया, डोवर्नियर ट्राइड रूल। एक साइंटिस्ट थे डोवर्नियर, उन्होंने क्या करा, ट्राइड रूल दिया, ठीक है। ये जो रूल है वो किसने दिया था, डोवर्नियर ने दिया था, इस बात का ध्यान रखें। डोवर्नियर जो थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ट्राइड रूल दिया। ट्राइड रूल क्या था, उन्होंने क्या करा, तीन तीन के एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है, तीन तीन के एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। जैसे कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया किस किस का, उन्होंने बनाया ग्रुप लिथियम का, ठीक है, सोडियम का और पोटेशियम का। उन्होंने ये कहा कि जो आपका मिडिल एलिमेंट है, जो तीन ग्रुप हैं, तीन एलिमेंट का जो ग्रुप है, उनका जो बीच वाला एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के, जो उसके नाइबरिंग एटम्स हैं, नाइबरिंग एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा। जैसे कि अगर एटॉमिक मास की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7, पोटेशियम का कितना होता है भाई, 39। तो उनके अकॉर्डिंग जो सोडियम है, जो मिडिल एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो यहां पर जो सोडियम का एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 23। होता भी 23 है, ठीक है, लेकिन हर एक एलिमेंट, ठीक है, इस रूल को ये फॉलो करे ये जरूरी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ये रूल फेल होता गया, ठीक है, कई बार, ठीक है। अभी रिसेंटली 5-6 साल से ट्राइड रूल या प्रोस्ट हाइपोथेसिस से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभार अगर ट्राइड रूल से क्वेश्चन आ जाए तो ट्राइड रूल का एक खास बात होती है कि ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इनका, इनके बीच में जो एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है, अगर वो सेम होता है, ठीक है, मैं ध्यान से सुनना इस बात को, तुम्हारा काम हो जाएगा इस बात से, कि
अगर ट्राइडूल आपको चेक करना है कि इनमें से कौन ट्राइडूल होगा, ट्राइडूल को फॉलो करेगा या कौन ट्राइड बना रहा है, ठीक है, तो उस केस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपको एलिमेंट दिए गए हैं तीन, अगर उनके बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस अगर सेम है तो वो ट्राइड हो सकता है, वो ट्राइड हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो ट्राइड ही हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है, एक चांस बनता है, 90% चांस है कि वो ट्राइड हो। जैसे कि अब आप यहां पर देखोगे तो लिथियम और सोडियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम का कितना है 11 और यहां पर कितना है 19, तो इनके बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितने का है 8 का, इनके बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितने का है 8 का। अगर ट्राइड में सेम एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो वो ट्राइड हो सकता है, ये ध्यान रखें, तीन एलिमेंट में, ठीक है, हो सकता है, ये बात करें। जैसे कि कोई आपसे पूछे यार, कोई आपसे पूछे कि क्या ये ट्राइड है क्या, कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या ये ट्राइड है क्या, ठीक है, आप एक बार देखोगे कि यार फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये तो इनर्ट गैस से जस्ट पहले आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई 9, इसका कितना होगा 17, इसका कितना होगा भाई 35, ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितने का चलेगा, यहां पर इनका एटॉमिक डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का 8 का और यहां पर कितने का है 18 का, तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये ट्राइड भी नहीं है, ये कंफर्म बात है, ठीक है। वहीं आप अगर दूसरा एग्जांपल देखते हो, दूसरा एग्जांपल क्या है आपके पास, दूसरा एग्जांपल है आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, आपसे कोई पूछे यार कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या ये डोवर्नियर ट्राइड है, ठीक है, ये क्या ये ट्राइड रूल को फॉलो करेंगे, तो आप देखोगे कि इनका एटॉमिक नंबर देखो यार, ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जैसे आप एलिमेंट को देखोगे और आप तुरंत एटॉमिक नंबर फाइंड कर लोगे कि यार इसका एटॉमिक नंबर तो ये, बहुत आसान, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की चिंता ना करें आप, अभी मैं बता रहा हूं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 35 है और इसका कितना है भाई 53 है, ठीक है, इसका कितना है 53 है, तो यहां पर इनका एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यहां पर 18 का आ रहा है भाई, ठीक है, और यहां पर भी कितने का आ रहा है 18 का आ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है तो ये डोवर्नियर ट्राइड है भाई, ठीक है, तो याद रखना है कि अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो तीन एलिमेंट का जो ग्रुप है उनमें अगर क्या एटॉमिक नंबर का डिफरेंस अगर सेम आता है तो इट मे बी अ ट्राइड, कि वो ट्राइड हो सकता है, ठीक है, तो ये ट्राइड रूल की बात हुई, ठीक है। कई सारे आए, ऑक्टेट रूल आया, कई साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप में अरेंज करा कि जो पहला एलिमेंट था और जो लास्ट एलिमेंट था उनका जो प्रॉपर्टी थी वो सेम आती थी, जैसे सारे गमा पाधा निशा जैसा होता है उसी तरीके से, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रखता है वो है हमारे पास मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मेंडली जानते हो ना भाई, मेंडली पीरियोडिक टेबल, मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव ने क्या करा, जो एलिमेंट थे उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पर बेस्ड है, एटॉमिक मास पर बेस्ड, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि जो एलिमेंट थे उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। इनका जो पीरियोडिक टेबल था, इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो डिवाइड था, वो डिवाइड था किस किस में, ग्रुप्स और पीरियड्स में, ग्रुप्स और पीरियड्स में। अब ये ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। जो आपको वर्टिकल रोज जो होती हैं, ठीक है, वर्टिकल्स जो कॉलम्स, वर्टिकल जो रोज हैं आपके पास, ठीक है, जो सीधी सीधी आपको देखते हैं वो क्या है आपके ग्रुप्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज आती हैं, सॉरी, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो क्या होते हैं आपके पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रुप्स थे वो कितने थे, यहां पर 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे, कितने थे 8 ग्रुप और 7 पीरियड में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो ग्रुप्स थे ना उसमें भी इनका चक्कर था, उन्होंने क्या करा, जो 8 ग्रुप्स थे उन्हें इस तरह से डिवाइड किया, 1-7 अलग था और 8 अलग था, ठीक है। 1-7 जो ग्रुप थे उन्हें दो सब ग्रुप में अलग डिवाइड किया, दो
सब ग्रुप में डिवाइड किया यार, एक ए सब ग्रुप और एक बी सब ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप को भी 8 में डिवाइड किया, जिसमें 1 से 7 जो ग्रुप थे उन्हें 2 सब ग्रुप में डिवाइड करा, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में, सब ग्रुप ए में एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते थे और सब ग्रुप बी में डी एंड एफ के एलिमेंट्स आते थे, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। ये पीरियड्स और ये ग्रुप्स, तो 8 ग्रुप 7 पीरियड में डिवाइड किया और ग्रुप को जो 1 से 7 ग्रुप थे उन्हें 2 सब ग्रुप ए और बी में, 8th ग्रुप को डिवाइड नहीं किया था भाई, ये ध्यान रखना है कि 8th ग्रुप को डिवाइड नहीं किया था, सिर्फ 1 से 7 जो ग्रुप थे उन्हें डिवाइड करा था। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है यार, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, तो उन्हें 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, एक ए और एक बी, ठीक है। ए जो सब ग्रुप था उसमें कौन कौन आता था, उसमें आता था भाई हमारा लिथियम आता था, ठीक है, सोडियम आता था, पोटेशियम आता था, रुबिडियम आता था, सीजियम आता था, ठीक है। और सब ग्रुप बी में कौन कौन आता था, वहां पर हमारे पास आता था कॉपर आता था, एजी आता था, एयू आता था, ठीक है। ऐसा क्यों रखा गया भाई, इन्हें एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि यहां पर अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1, मतलब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और यहां पर देखोगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगी, इनकी निकलेगी भाई N-1d10 और NS1, मतलब ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो इन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यार, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में अपने कई सारी चीजें ऐसे बताते जाऊंगा, जैसे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में आधे से ज्यादा इनऑर्गेनिक अपन कवर्ड कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो कई सारी चीजें मैं आपको यहीं पर बताते हुए चलूंगा, वहां पर अपन लिखते हुए चलेंगे, इसलिए बोल रहा हूं कि नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं आने वाला है, जो आप रिजल्ट सोच रहे हो वो रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपने काम नहीं करा तो, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब यहां पर अगर मैं कुछ फ्लेम टेस्ट की बात करूं, फ्लेम टेस्ट मतलब जब इन्हें जलाया जाए तो ये किस तरह की फ्लेम देते हैं, किस कलर की फ्लेम देते हैं, वो फ्लेम टेस्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो लिथियम होता है, लिथियम का जो कलर होता है वो होता है क्रिम्सन रेड, क्या होता है भाई, क्रिम्सन रेड, ठीक है, क्रिम्सन रेड कलर का ये फ्लेम देता है। सोडियम जो रहता है वो गोल्डन येलो कलर का देता है, वो गोल्डन येलो कलर का देता है, और जो हमारा पोटेशियम होता है वो वायलेट कलर का देता है, ठीक है। रुबिडियम जो होता है वो हमारा रेड वायलेट कलर का देता है, और जो हमारा सीजियम होता है वो ब्लू कलर का देता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सीजियम की एक बात और है कि जो सीजियम होता है उसका मिनिमम आईपी होता है, क्या होता है भाई, मिनिमम आईपी होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसी बेसिस पर इसे अपन कहां पर यूज करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में इसका यूज किया जाता है। फोटोइलेक्ट्रिक सेल का मतलब समझ रहे हो, फोटोइलेक्ट्रिक सेल का मतलब कि आपने जैसे ही लाइट डाली कंडक्शन स्टार्ट, फोटोइलेक्ट्रिक सेल, जैसे ही लाइट पड़ेगी, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है, तो जैसे ही लाइट पड़ी सेल ने कंडक्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब जैसे ही लाइट पड़ी ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करा तो तुम्हारा कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बहुत कम आईपी है, आईपी आगे जाके पढ़ेंगे, जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, आईपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना भाई, इसका बहुत कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, समझ रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है ये, मतलब जैसे ही लाइट पड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जैसे ही लूज करेगा वैसे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल में इसका यूज किया जाता है। ये क्रिम्सन रेड, ये गोल्डन येलो, ये वॉलेट, ये रेड वॉलेट और ये ब्लू कलर का, ये फर्स्ट ग्रुप है मेंडेलीफ में, ये फर्स्ट ग्रुप है। तो मेंडेलीफ में काम की बात क्या है, मेंडेलीफ में काम की बात ये आई है कि ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है, उन्होंने क्या करा, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करा है, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड करा है, ग्रुप्स उनके पास 8 हैं, पीरियड 7 हैं, जो 8 ग्रुप हैं उनमें से 1 से 7 ग्रुप को 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड करा है, सब ग्रुप ए में एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, सब ग्रुप बी में डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने पहला देखा, अपन सेकंड भी देखेंगे, थर्ड भी देखेंगे, किस तरह का आता है उसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और ग्रुप्स। नेक्स्ट अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो मेंडलीव ने क्या करा भाई कि जो सेकंड ग्रुप था उसे भी क्या करा, दो सब ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। ठीक है, अब सब ग्रुप ए में कौन कौन आता था? सब ग्रुप ए में आता था भाई हमारा बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है, जानते हो ना ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, ये सब ग्रुप ए में आता था। सब ग्रुप बी में कौन कौन सा आता था? सब ग्रुप बी में आता था भाई हमारा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, तो यहां पर ये दो सब ग्रुप में क्यों डिवाइड करा गया? क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इनका तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, मतलब ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इन दोनों इनकी देखोगे तो इनकी क्या होगी भाई, N-1d10NS2, मतलब ये भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया, दो सब ग्रुप बना दिए उसके। ठीक है, अब अगर यहां पर अपन फ्लेम टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो फ्लेम टेस्ट की अगर बात करें तो फ्लेम टेस्ट में ये देखा जाता है कि जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना कि जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है इनका कोई कलर नहीं होता, कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देते, नो कलर, ठीक है, कोई कलर नहीं होता, कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए। ठीक है, कैल्शियम का अगर बात करें तो कैल्शियम जो रहता है वो ब्रिक रेड कलर का टेस्ट देता है भाई। क्या होता है भाई, ब्रिक रेड कलर जलाया जाता है तो ब्रिक रेड कलर की फ्लेम देता है। ठीक है, स्ट्रोंशियम की बात करें तो ये हमारा क्रिम्सन रेड कलर का देता है भाई, क्रिम्सन रेड। और जो हमारा बेरियम होता है वो एप्पल ग्रीन कलर का देता है, क्या देता है भाई, एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम देता है। इस बात का ध्यान रखो, स्मॉल ए से एप्पल ग्रीन, ठीक है, स्मॉल ए फॉर स्मॉल एप्पल, ठीक है, जानते हो ना, ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, जानते हो, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ए आ रहा है तो एप्पल ग्रीन, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, कई सारी चीजें हैं भाई, ठीक है, तो ये ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड और ये एप्पल ग्रीन। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है वो कोई भी कलर की फ्लेम नहीं देता, मतलब ये फ्लेम टेस्ट नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर थर्ड ग्रुप की बात करें, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात भी ये आती है कि ये जो मैग्नीशियम है आपका, ये जो आपका मैग्नीशियम है ना भाई, इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका क्या होता है भाई, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है पूरे ग्रुप में, पूरे ग्रुप में सबसे कम, पूरे ग्रुप में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर थर्ड ग्रुप पे मूव करें यार, ठीक है, थर्ड ग्रुप जान रहे हो, थर्ड ग्रुप इसे भी दो सब ग्रुप, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए की बात करें तो सब ग्रुप ए में आता है आपके पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बेगन, आलू, गाजर, इन थैला, जानते हो, बेगन, आलू, गाजर, इन थैला। और यहां पर सब ग्रुप बी की बात करें तो सब ग्रुप बी में आता है आपका स्कैंडियम, ठीक है, येट्रियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम, ठीक है, सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी। अब यहां पर अगर इन सब की बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, इनकी क्या है भाई, इनकी है NS2 NP1, मतलब ये प्लस थ्री में है। इनकी अगर बात करोगे तो इनकी क्या है, N-1d1 NS2, मतलब ये भी प्लस थ्री में, ठीक है, तो दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यहां पर जो काम की बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज निकलती है वो ये है कि जो आपका गैलियम है, ठीक है, गैलियम को जब सॉलिडिफिकेशन किया जाता है, गैलियम का जब सॉलिडिफिकेशन किया जाता है, इसे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका एक्सपांशन देखा जाता है। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो एक्सपांशन ऑन सॉलिडिफिकेशन, तो आंसर क्या जाता है भाई, गैलियम, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अपन लिख भी लेते हैं कि गैलियम शो एक्सपांशन ऑन सॉलिडिफिकेशन, जब इसका सॉलिडिफिकेशन किया जाएगा तो ये क्या करेगा भाई, एक्सपांड करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गैलियम है वो पायरोमीटर में यूज होता है, गैलियम इज यूज्ड इन पायरोमीटर, जानते हो ना, पायरोमीटर में यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, पायरोमीटर में गैलियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ अपन यहां पर लिख सकते हैं, देखना भाई, ठीक है, जगह कम है तो आप थोड़ा सा देखें इस चीज को,
जो फोर्थ है उसे भी दो सब ग्रुप, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में आपका आया भाई कौन आया, कार्बन आया, ठीक है, सिलिकन आया, जर्मेनियम आया, टिन आया, लैड आया। और यहाँ पे कौन कौन आया, यहाँ पर आया भाई टाइटेनियम, जिंकोनियम, हाफनियम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है भाई, इनकी है NS2NP2, मतलब ये भी प्लस फोर में है। और अगर इनकी देखोगे तो इनकी क्या आएगी, N-1D2NS2, मतलब ये भी प्लस फोर में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के दो ऐसे सब ग्रुप बनाए गए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जो काम की बात है, ठीक है, ये सब ग्रुप में जो डिवाइड करना है बढ़िया बात है भाई, ठीक है। हमारा जो काम है वो है कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है यार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो टेन है उसके कितने आइसोटॉप्स हैं, तो टेन के 10 आइसोटॉप्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लें भाई, जो टेन है, जो आपका क्या है, टेन है, उसके 10 आइसोटॉप्स होते हैं, उसके 10 आइसोटॉप्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लेड तो आप जानते हो, लेड जानते हो, कुछ टाइम पहले ऐसे न्यूज आई थी यार, आप जानते हो कि मैगी जो थी तुम लोगों की फेवरेट, ठीक है, वैसे हमारी भी फेवरेट है, ठीक है, हॉस्टल टाइम में अपन ने बहुत खाई है, ठीक है। तो लेड और मैगी कुछ रिलेशन समझ आ रहा है इसमें, ठीक है। कुछ टाइम पहले मैगी बंद हो गई थी, ठीक है, तब यिप्पी चल गई थी, याद है तुम्हें, ठीक है। तो मैगी जब बंद हुई थी, मैगी का कारण क्या था बंद होने का, मैगी का कारण था कि उसमें लेड पाया गया था यार, और लेड क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। तो इसी लेड जो है वो हमारे लिए पॉइजनस है, तो इसी का यूज करते हुए अपन ने क्या करा, जो आपने गन ब्लड देखा है उसका जो शेल होता है, उसका जो शेल होता है वो लेड का बनाया जाता है, वो क्या करता है, लेड का बनाया जाता है। तो जैसे ही ब्लड आपके अंदर जाती है तो लेड क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो आपके अंदर जहर फैलना स्टार्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो जो गन ब्लड का शेल होता है वो लेड का बनाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप लिख लें कि क्या, कि शेल ऑफ गन ब्लड, जानते हो ना, ठीक है, AK-47, ठीक है, शेल ऑफ गन ब्लड, मैडअप ऑफ लेड से बनाया जाता है भाई, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने डिवाइड करा। अब जो मेंडलीव था यार, बड़ा दिमाग वाला बंदा था यार, ठीक है, जब मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे, उसने क्या करा, उन एलिमेंट के लिए जगह छोड़ता गया वो, ठीक है, उसके लिए क्या छोड़ता गया, जगह छोड़ता गया, और उनका कुछ नाम देता गया। अब यहां पर अगर बात करें कि मेंडलीव ने कौन कौन से एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर लिया था, नेक्स्ट आता है आपके पास प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट बाय मेंडलीव, नेक्स्ट क्या आता है भाई, प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने कौन कौन से एलिमेंट का प्रिडिक्शन कर लिया था, तो उन्होंने चार एलिमेंट का प्रिडिक्शन करा था मेनली, ठीक है, उन्होंने उसका नाम भी दिया था, एक का नाम दिया था ईका एल्यूमिनियम, दूसरे का नाम दिया ईका सिलिकॉन, थर्ड का नाम दिया ईका बोरोन, और फोर्थ का नाम दिया ईका मैग्नीज। जो ईका एल्युमिनियम था वो गैलियम निकला, ईका सिलिकॉन जर्मेनियम निकला, ईका बोरोन आपका स्कैंडियम निकला, और ईका मैग्नीज आपका टेक्नीशियम निकला, ठीक है। तो याद रखना है, किस तरह से याद रख सकते हो, आलू सस्ता बैगन महंगा, ठीक है, आलू सस्ता है, बैगन क्या है, महंगा है, क्यों बैगन महंगा है, ठीक है, उसके जलवे हैं भाई, उसका एटीट्यूड है, ठीक है। तो आलू सस्ता बैगन महंगा, गैलियम जर्मेनियम स्कैंडियम टेक्नीशियम, ठीक है। आप टेक्नीशियम को देख रहे हो, टेक्नीशियम जो है वो मैन मेड एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है, और ये रेडियो एक्टिव होता है, इस बात का ध्यान रखोगे तो जो टेक्नीशियम है उसे गोला मार्क करो, और गोला मार्क करके क्या लिखना है कि ये हमारा रेडियो एक्टिव है, क्या है भाई, रेडियो एक्टिव, और मैन मेड है, और क्या है भाई, सिंथेटिक है, मैनमेड है, सिंथेटिक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, मैनमेड है, सिंथेटिक है, ठीक है। तो कई सारे एलिमेंट का उन्होंने क्या करा था, पहले ही प्रिडक्शन कर लिया था, ईका का मतलब
सिमिलर, कि जो एल्युमिनियम के जैसा सिमिलर है। ई का सिलिकॉन मतलब जो सिलिकॉन से जस्ट सिमिलर है, मतलब सिलिकॉन जैसी वो प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कई सारे एलिमेंट का प्रेडिक्शन करा था। कई सारी चीजें और हैं थोड़ी बहुत जिससे अपन मेंडलीफ में थोड़ा सा समझना है, फिर अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो जगह बची नहीं है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यार, मेंडलीव ने क्या करा भाई, कुछ जो एलिमेंट थे उनका जो एटॉमिक मास था उसमें करेक्शन भी करा। अब वो कौन से एलिमेंट थे जिसमें मेंडलीव ने एटॉमिक मास का करेक्शन करा, उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, भाई सब सुधारते हुए चल रहे हैं। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट का उसने एटॉमिक मास का करेक्शन करा, तो कौन कौन से थे, आपका यूरेनियम था, ठीक है, आपके पास बेरिलियम था, ठीक है, इंडियम था, गोल्ड था, प्लैटिनम था। ठीक है, तो उन्होंने इनके एलिमेंट के क्या करे, मास का करेक्शन करा, किसका, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम। इसको आप किस तरह से याद रख सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो यू वी इन गोल्ड प्लैटिनम से आप इसे याद रख सकते हो, यूबेन गोल्ड प्लैटिनम, उनके मास का इन्होंने करेक्शन करा। नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो ये है कि जब मेंडलीव ने क्या करा भाई, जब एलिमेंट्स को अरेंज करा, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म में, लेकिन उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कई सारे ऐसे पेयर्स देखे गए जो क्या थे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं थे। वहां पर ऐसे एलिमेंट देखे गए जो जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था वो पहले आ रहे थे और जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में आ रहे थे भाई। ठीक है, तो वो एनामोलस पेयर, ठीक है, एनामोलस पेयर देखे गए। ठीक है, तो अब वो एनामोलस पेयर कौन कौन से थे उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर में बात करें तो अपन पहले मोर मास फिर लेस मास वाले बात करेंगे। तो पहले उन्होंने ज्यादा मास वाले को रख दिया फिर कम वाले को रखा। अब कौन कौन से एनामोलस पेयर हैं उनकी बात करते हैं। वो है भाई आर्गन, पोटेशियम, ठीक है, दूसरा है आपके पास टेलूरियम, आयोडीन, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, कोबाल्ट और निकल, ये थे। तो आप इसे किस तरह से याद रख सकते हो, अमीर खान थ्री इडियट में था, पा में क्यों नहीं था। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, ठीक है, उन्होंने आर्गन को पहले रखा है एज कंपेयर टू पोटेशियम। आप जानते हो कि जो आर्गन है उसका जो एटॉमिक मास है वो पोटेशियम से क्या है भाई, ज्यादा है, ये 40 के लगभग है, ये 39 है। ठीक है, लेकिन आर्गन को पहले रख दिया। ठीक है, ऐसे ही आपका टेलोरियम और आयोडीन के साथ हुआ, उसी तरीके से थोरियम और प्रोटेक्टेनियम के साथ हुआ और कोबाल्ट और निकल के साथ हुआ। तो इसे आप किस तरह से याद रख सकते हो, आमिर खान थ्री इडियट में था, पा में क्यों नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि पा में अभिषेक बच्चन आ गए थे भाई। ठीक है, छोटा बच्चन आ गया था, किसमें, पा में। ठीक है, तो याद रखें, बड़े बच्चन भी थे छोटे बच्चन भी थे, दोनों थे भाई। ठीक है, तो याद रखें, तो आमिर खान थ्री इडियट में था, पा में क्यों नहीं था, क्योंकि पा में अभिषेक बच्चन जी आ गए थे, इस बात का ध्यान रखें। तो ये एनामोलस पेयर होता है मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल का। तो मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल में कुछ ही चीजें आपको याद रखनी है यार। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें, उसकी बात ध्यान रखना, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो मेंडेली जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड है। उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया, 8 ग्रुप 7 पीरियड। जो 8 ग्रुप थे उनमें से जो 7 ग्रुप थे उन्हें 2 सब ग्रुप ए और बी में रखा गया। ए सब ग्रुप में एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट आते थे और सब ग्रुप बी में डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते थे। ठीक है, फिर उन्होंने प्रेडिक्शन भी करा कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, वो ध्यान रखना है। उन्होंने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट में करेक्शन भी करे और कुछ गलतियां भी थी उनकी।
ठीक है, कुछ गलतियां थी, कौन से एनामोलस पेयर थे कि भाई ये एनामोलस पेयर थे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बातें आपको मेंडेली पीरियोडिक टेबल में याद रखनी है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर जो मेंडेली पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वही से क्वेश्चन आता है, याद रखना है, डेवलपमेंट से बहुत कम क्वेश्चन देखे जाते हैं। पहले टाइम में 10 साल पहले, 12 साल पहले इनसे क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं ज्यादा, ठीक है। अब जो आते हैं वो आते हैं आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है। तो उनकी अपन बात करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे ही पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें देखेंगे। तो इनकी ऑब्जर्वेशन होती है यार, ठीक है। तो इनका ऑब्जर्वेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ऑब्जर्वेशन देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीजें तो बहुत क्लियर है, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में कुछ चमकेगा, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बहुत कॉन्सेप्चुअली अपन पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।